नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप है बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे कौन बनेगा सांसद में पटना साहिब सीट। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल आपके लिए लेकर आया है एक नया सेगमेंट बिहार से कौन बनेगा सांसद, जिसमें हम लोकसभा के 40 सीटों के बारे में बात करेंगे। और उसी तरह आज हम बात करेंगे पटना साहिब सीट की। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी वर्तमान में बीजेपी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से सांसद हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट बीजेपी से कट चुका है और रविशंकर प्रसाद को इस बार बीजेपी का टिकट गया है, जो कि अभी केंद्र में मंत्री भी है। अब बात करते हैं साल 2009 की 15वीं लोकसभा चुनाव में बदले परिसीमन में पटना जिला में दो लोकसभा सीट बना, जहां पहले पटना और बाढ़ लोकसभा सीट थी, उसके जगह पर पाटलिपुत्र तथा बाढ़ लोकसभा खत्म होने के बाद पटना साहिब अस्तित्व में आया। एक तरफ बीजेपी के पीएम उम्मीदवार वरिष्ठ नेता पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे, वहीं नव निर्मित सीट पर सीने स्टार बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ताल ठोक मैदान में उतरे। बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा के सामने मैदान में राजद के उम्मीदवार विजय कुमार थे। शत्रुघ्न सिन्हा को 3,16,549 वोट मिले, जबकि राजद प्रत्याशी को 1,49,779 वोट मिले। इसी तरह 1,66,770 वोटों से शत्रुघ्न सिन्हा विजयी रहे, जबकि उनके मुकाबले मैदान में उतरे दूसरे फिल्म स्टार कांग्रेस के उम्मीदवार शेखर सुमन को मात्र 61,308 मत प्राप्त हुए। इस चुनाव में बीजेपी को 57.3%, राजद को 27.11% तथा कांग्रेस को 11.10% मत मिला, जबकि मोदी लहर में सिन्हा की जीत का अंतर बढ़कर 2,65,805 रहा। इस बार भोजपुरी सुपरस्टार कुणाल सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में अपनी किस्मत अजमाने उतरे, लेकिन उनके भाग्य में भी हार ही नसीब हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा को 4,85,905 जबकि कुणाल सिंह को 2,20,100 वोट मिले। बीजेपी के खाते में 55.04% वोट प्राप्त हुआ, जो पिछले चुनाव की तुलना में 2.26% कम रहा। एनडीए से नाता तोड़ने के बाद नीतीश के योद्धा भी मैदान में दो दो हाथ करने में लगे थे। जैसा कि हम जानते हैं, सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के तौर पर अपने भाग्य को आजमाए, लेकिन खाते में करारी हार नसीब हुई। उन्हें मात्र 91,024 वोट मिले, यानी कुल वोटिंग का 10.31%, जबकि नीतीश से नाता तोड़ने वाले पूर्व मंत्री परवीन अम्मानुल्लाह आठ उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में लड़ी, जिनको मात्र 16,381 वोट आ सके। पहली बार नोटा का उपयोग करने के लिए वोटरों को एक नया हथियार मिला, 7,727 वोट पड़े। पटना साहिब में बख्तियारपुर, फतुहा, पटना साहिब, कुमरार, बांकीपुर तथा दीघा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। पटना साहिब में ज्यादातर मतदाता शहरी क्षेत्र के हैं, हालांकि राजधानी पटना से सटे बख्तियारपुर और फतुहा भी इसके परिवेश में रचा बसा है। सबसे ज्यादा वोटर दीघा विधानसभा में 4,33,632 है तथा सबसे कम फतुहा विधानसभा में 2,54,396 वोटर है। बीजेपी के बागी नेता मशहूर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा 6 तारीख को होंगे। माना जा रहा है कि वो पटना साहिब से कांग्रेस के उम्मीदवार लगभग फाइनल ही हो चुके हैं, लेकिन अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है। 3 बार सांसद रह चुके हैं शत्रुघ्न सिन्हा, फिलहाल भाजपा से पटना साहिब क्षेत्र से लोकसभा सांसद है। इस बार भाजपा उन्हें टिकट नहीं दिया, क्योंकि उनके बयान को लेकर आए दिन सुर्खियों में रहते थे, जिस वजह से उनका टिकट कट गया। उनकी जगह पर रविशंकर प्रसाद केंद्र में मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, उनको टिकट मिला। नरेंद्र मोदी के मुखर आलोचक भी रह चुके हैं शत्रुघ्न सिन्हा, पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि उनको टिकट इस बार नहीं मिलने वाला। रविशंकर प्रसाद को टिकट मिला है, मंत्री हैं और यहाँ से मतलब बिहार से ज्यादा लगाव भी रखते हैं। समझा जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व के खिलाफ उनका हमलावर रूप एवं पार्टी विरोधी गतिविधियां ही उनका टिकट काट कर और रविशंकर प्रसाद को टिकट देने
को विवश हुई। ऐसी चर्चा है कि शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के टिकट पर 6 तारीख को अनाउंस कर सकते हैं शामिल होने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए। पटना साहिब सीट भाजपा के लिए अनुकूल मानी जाती रही है। इसके पीछे फैक्टर ये है कि इस सीट के बारे में कहा जाता है कि भाजपा के लिए चुनाव जीतना आसान होता है। इस सीट पर कास्ट वोट बड़ी संख्या में है जो परंपरागत रूप से भाजपा को वोट करते हैं। ऐसी चर्चा है कि टिकट कटने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा महागठबंधन के उम्मीदवार के तरफ से अगर चुनाव लड़े तो शत्रुघ्न सिन्हा इस सीट से कांग्रेस या आरजेडी के तरफ से महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। शत्रुघ्न सिन्हा और रविशंकर प्रसाद दोनों ही कास्ट बिरादरी से आते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा 2 बार इस सीट से सांसद रह चुके हैं, इस कारण भी उनकी पकड़ इस सीट पर बनी हुई है। और रविशंकर प्रसाद भी कास्ट समाज से हैं, तो कास्ट बिरादरी से दोनों लोग आते हैं और दोनों लोग सांसद पहले भी रह चुके हैं और शत्रुघ्न सिन्हा भी पहले सांसद और मंत्री भी रह चुके हैं अटल बिहारी के सरकार में, और रविशंकर प्रसाद अभी मंत्री हैं, तो इसका लाभ उनको दोनों को लोगों को मिलेगा। रविशंकर प्रसाद पहली बार इस सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इसलिए उनके लिए यहाँ चुनौती थोड़ी ज्यादा होगी, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा इस सीट से लड़ चुके हैं तो उनके लिए थोड़ा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही फेसबुक पेज को लाइक कीजिए।